हेलो दोस्तों, मुझसे कई लोगों ने पूछा है कि आधार कार्ड का पीडीएफ पासवर्ड कैसे पता करें। जी हाँ, जैसे कि आपको पता ही है कि अगर आप अपना आधार कार्ड किसी भी डिवाइस के थ्रू डाउनलोड करती हैं ऑनलाइन, चाहे वो मोबाइल हो या फिर पीसी हो या फिर लैपटॉप हो, तो वहाँ पर आपका आधार कार्ड पीडीएफ फाइल में डाउनलोड होता है, ठीक है। और जब आप अपने पीडीएफ फाइल को ओपन करती हैं तो वहाँ पर आपको आपसे एक पासवर्ड मांगा जाता है। तो यदि आपको नहीं पता है कि आधार कार्ड का पासवर्ड क्या होता है, तो आप टेंशन ना लें। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आधार कार्ड का पासवर्ड क्या होता है और आपके आधार कार्ड का क्या पासवर्ड है, ठीक। और आप अपने आधार कार्ड का पीडीएफ पासवर्ड कैसे खोलेंगे, ठीक है। तो वीडियो पूरा कंप्लीट देखना, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल अच्छा लग जाए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। तो आधार कार्ड का पीडीएफ पासवर्ड कैसे पता करेंगे, ये सब कुछ मैं आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पर करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरी बात को गौर से समझना, बहुत सारे लोग यहीं पर गलती है, बहुत सारे क्या सभी लोग यहीं पर गलतियां करते हैं। क्योंकि देखिए, आधार कार्ड ये डाउनलोड तो हो चुका है, लेकिन आधार कार्ड का एक पासवर्ड होता है, वो आधार कार्ड पासवर्ड से ही खुलेगा। चाहे आप मोबाइल में करो या लैपटॉप में करो या फिर किसी में भी आप अपने आधार कार्ड को डाउनलोड करो, आपका आधार कार्ड पासवर्ड मांगेगा। अब बहुत सारे लोग यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने तो कोई पासवर्ड डाला नहीं है, फिर ये कौन सा पासवर्ड मांग रहा है। मेरी बात को यहाँ पर गौर से समझना, आधार कार्ड का पासवर्ड क्या होता है। आधार कार्ड का पासवर्ड आपके आधार कार्ड पर ही लिखा होता है। अब वो क्या होता है वो ध्यान से समझो। जैसे कि आपका नाम होता है, जैसे आपका आधार कार्ड पर नाम है जैसे राहुल, ठीक है। तो आपके नाम के राहुल है, जैसे इंग्लिश में आप लिखेंगे राहुल, ठीक है। तो उसमें से आगे के 4 लेटर आपको यहाँ पर टाइप करनी है। आगे के 4 लेटर यानी आपका आधार कार्ड में जो भी नाम हो उसके आगे के 4 लेटर आपको कैपिटल में टाइप करनी है। समझ में आ गया, 4 लेटर आगे के कैपिटल में। उसके बाद क्या करना है मैं वो भी आपको बताता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर अपने 4 लेटर में आगे के डाल देता हूँ, ठीक है। मैंने आगे के यहाँ पे 4 लेटर अपने नाम के टाइप कर दिए, ठीक है। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ, आपके आधार कार्ड में आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। जैसे कि मान लीजिए मेरी डेट ऑफ बर्थ है 10/10/2002, ठीक है, ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है। तो आपको ना ही मंथ डालना है, ना ही आपको तारीख डालनी है, केवल आपकी ईयर। जैसे आपकी सन 2002 है या 3 है, उस हिसाब से आपको यहाँ पे ईयर डालनी है। तो मेरे यहाँ पे 2003 है, तो मैं यहाँ पे अपनी 2003 डालूंगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया 2002, ठीक है, सॉरी मेरी डेट ऑफ बर्थ 2002 है, तो मैंने यहाँ पे 2002 डाल दिया, ठीक है। उसको उतना डालने के बाद आपको सिंपल भी ओपन पर क्लिक करना है। जैसे आप ओपन पर क्लिक करेंगे तो देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरा आधार कार्ड यहाँ पे मेरे मोबाइल पर ओपन हो चुका है। और इससे क्या आपके 2 फायदे हैं, आपका एक टाइम भी बचेगा और आपका पैसा भी बचेगा। और आप इस आधार कार्ड को यहाँ से किसी भी आप प्रिंटर वाली दुकान पर जाकर 10 रुपये में प्रिंट करा सकते हैं, वो भी रंगीन और टेंशन फ्री। आप इसको कहीं पर भी यूज कर सकती हैं। तो दोस्तों, आधार कार्ड आप इसी प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको लाइव करके दिखाया है, ठीक है। और अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और आगे भी मैं आपके लिए ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा, ठीक है। तो दोस्तों अपना ख्याल रखना, मिलती हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।